दोस्तों आखिर क्यों अनुराग डोभाल को हर कोई ट्रोल कर देता है और हर कोई जो है हिसाब से ये कह लो कि भाई आते जाते चलते फिरते ऊपर नीचे अनुराग डोभाल की ही बैंड बजा देता है। और इस बार आखिर ऐसा क्या हुआ है, जैसे थंबनेल और टाइटल आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि भाई अब तो यूट्यूब कम्युनिटी भी अनुराग की शायद बेइज्जती ही कर रही है। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का। दोस्तों अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो अनुराग डोभाल जिनके पास अच्छा खासा फैन बेस है, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, तब भी खुद को किसी ना किसी पचड़े में फंसा कर हमेशा से अटकते हुए ही दिखते हैं। दोस्तों बिग बॉस के घर में थे वहां पर भी और बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद भी। अभी हाल फिलहाल हर्ष बेनीवाल एक वीडियो अपलोड करते हैं एल्विश और मैक्सटन के फाइट का, एक स्पूफ बेसिकली, जिसमें मैक्सटन का किरदार जो निभा रहे हैं वो हर्ष बेनीवाल खुद हैं और एल्विश यादव का किरदार जो निभा रहे हैं वो है पूरव झा। लेकिन दोस्तों उसी के साथ साथ इस वीडियो में एज अ लॉयर एंट्री होती है अनुराग डोभाल की और पूरी तरीके से अनुराग को रोस्ट कर दिया है। देखिए बेसिकली स्पूफ है तो इस पर भाई मतलब ऑब्जेक्शन तो रैली कोई लेता है, बट सोशल मीडिया पर यही बात हो रही है कि भाई अनुराग की बैंड तो अब उसके कम्युनिटी वाले भी बजा रहे हैं। मतलब ये वही अनुराग है जो कहते हैं कि मेरी YouTube कम्युनिटी इतनी बड़ी है, ऐसी है वैसी है, और यही अनुराग है जो कहते हैं मेरी ब्रोसेना ये है वो है। और यहाँ पर पूरी तरीके से चाहे वो ब्रोसेना हो या फिर अनुराग डोभाल हो, इनको पूरी तरीके से रोस्ट कर दिया है भाई। रोस्ट क्या, पूरा ग्रिल ही कर दिया है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे, लेकिन फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।